स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे, कल हमने पढ़ा था जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में कि जाइलम ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लांट्स में हमने पढ़ा था कि जाइलम कैसे वाटर को ट्रांसपोर्ट, जाइलम जो है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है मेनली और मिनरल्स को, और जो फ्लोएम है वो किसको करता है, फूड को एंड हॉर्मोन्स एंड अदर सब्सटेंसेस को। आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, कि वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। अब उसके बाद कुछ टर्म्स है, हम वो टर्म्स देखते हैं सबसे पहले कि टोटल। सबसे पहले एक टर्म आती है, फर्स्ट टर्म इज होलार्ड। होलार्ड क्या होता है, होलार्ड वाटर क्या होता है, फिर होलार्ड क्या होता है। होलार्ड मतलब होता है कि कितनी टोटल अमाउंट प्रेजेंट है वाटर की इन द सोयल, उस टर्म को हम क्या बोलेंगे, होलार्ड। उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, होलार्ड, कि टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सोयल, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, होलार्ड। ठीक है, सेकेंड जो टर्म आती है दैट इज थ्रेसहोल्ड, थ्रेसहोल्ड क्या होता है, इसका मतलब होता है आप सोयल में मान लो कितना वाटर प्रेजेंट है, काफी वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, आपने देखा होगा, आप जैसे ही पौधों को पानी वानी भी देते हो तो आपने देखा होगा काफी देर तक जो सोयल है वो गिली रहती है। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितने प्रेजेंट है वाटर की सोयल में, वो क्या होता है, होलार्ड। और थ्रेसहोल्ड क्या होता है कि कितनी अमाउंट वाटर की अवेलेबल हो पाई प्लांट्स को, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, थ्रेसहोल्ड। तो हम इसमें क्या बोलेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज अवेलेबल टू द प्लांट्स, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ वाटर विच इज अवेलेबल टू प्लांट्स, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, थ्रेसहोल्ड। ठीक है, उसके बाद एक थर्ड कंडीशन आती है, उसका क्या नाम है, दैट इज इकार्ड। ये कौन सी होती है, इकार्ड में हम देखते हैं, ये तो कौन सी हुई जो अवेलेबल हो गई प्लांट्स को वाटर की अमाउंट। इसमें हम देखेंगे जो अमाउंट वाटर की अवेलेबल नहीं हो पाई प्लांट्स को, जो फिलहाल भी सोयल में प्रेजेंट है, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एकहार्ड। ठीक है, कि जो अमाउंट वाटर की अवेलेबल नहीं हो पाई प्लांट्स को, या फिर वो जो वाटर की जो अवेलेबिलिटी थी सोयल में वो या तो वेपर बन के इवेपोरेट हो गई, या फिर अदर कंडीशंस में अगर वो यूज हो गई तो, लेकिन वो प्लांट को नहीं मिल पाई, वो प्लांट को अवेलेबल नहीं हो पाई, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इकार्ड। ठीक है, तो हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ वाटर विच इज नॉट अवेलेबल टू प्लांट्स, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इकार्ड। अब इससे हम एक रिलेशनशिप देखते हैं। ठीक है, होलार्ड तो कौन सी हुई जो टोटल अमाउंट प्रेजेंट है, क्रेसार्ड मतलब जो अमाउंट अवेलेबल हुई, इकार्ड मतलब जो अमाउंट अवेलेबल नहीं हुई। तो इससे क्या रिलेशन बन जाएगा कि होलार्ड का मतलब क्या हुआ, टोटल क्रेसार्ड प्लस इकार्ड, कि अमाउंट अवेलेबल हुई और नहीं हुई दोनों को मिला के टोटल अमाउंट क्या होती है अपनी, होलार्ड। टोटल अमाउंट को हम क्या बोलेंगे, होलार्ड। तो होलार्ड क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन दी सोयल। ये कुछ टर्म्स थी जो मैंने आपको बताई है अभी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद।